पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में एक ही कॉलेज के श्री साई कन्या इंटर कॉलेज की लगभग 80 छात्राओं को अनुपस्थित दिखाते हुए फेल हो जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले भारी संख्या में छात्राओं और अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को सौंपा। कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि छात्राओं को प्रमोट ना करके उनकी अनुपस्थिति दिखाकर उन्हें फेल कर दिया गया है, जबकि कोविड काल के चलते बोर्ड ने सभी छात्राओं को प्रमोट करने की बात कही थी, उनका एक साल बर्बाद कर दिया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक की अगुवाई में एक टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि छात्राओं का भविष्य खराब न हो। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता शिवा शर्मा का कहना है कि जिलाधिकारी ने 3 दिन के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, अगर विषम परिस्थिति हुई तो चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े, छात्राओं का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें प्रमोट करे गए हैं छात्र, तो उस स्कूल में 60 से अधिक संख्या में, मतलब 100 के लगभग ऐसी छात्राएं हैं जो कॉलेज की लापरवाही के चलते उनको फेल कर दिया गया, उनका रिजल्ट में गड़बड़ी आई है। तो उस संबंध में आज जिला अधिकारी से उन छात्राओं के भविष्य के लिए आज जिला अधिकारी को जो है हमने ज्ञापन दिया है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनका रिजल्ट पूरी तरीके से ठीक करा जाए, जो गड़बड़ी कॉलेज प्रशासन की गलती के कारण हुई है। डीएम साहब द्वारा आश्वासन ये दिया गया, डीएम साहब और ने तुरंत डीआईओ सर को वहाँ उस विद्यालय में भेजा और उस विद्यालय के लिए एक कमेटी गठित करी है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। 100 से अधिक संख्या है जिसमें छात्राएं हैं 50 के लगभग और उनके साथ उनके अभिभावक भी हैं और काफ़ी छात्राएं ऐसी हैं जो यहाँ पर आ नहीं पाई, उनके साथ भी ऐसा हुआ। वहीं अगर छात्राओं की माने तो उनका कहना है कि परिवार के लोगों ने कोविड काल में खुद को गिरवी रखने के बाद भी स्कूल कॉलेजों की फीस जमा की थी, लेकिन उसके बाद भी छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। यही है हमारा, इन्होंने मैम ने बोला था कि 11th और 10th के बेस पे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, प्री बोर्ड में हमें बैठने भी नहीं दिया गया फीस की वजह से कि फीस सबमिट नहीं है, और जब बच्चे गए हैं तो उन्हें धूप में 3-3 घंटे खड़ा रख के उसके बाद भी हमें पेपर नहीं देने दिए गए। उसके बाद हम स्कूल पहुँचते हैं और मतलब रिजल्ट जिस दिन आता है हम लोग रिजल्ट देख के स्कूल पहुँचते हैं, एबसेंट देख के, तो स्कूल में बदतमीजी करती है, टीचर्स आती नहीं है, नंबर स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने। अच्छा, आप जो अभी आपने आज प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया है, जिलाधिकारी ने क्या कहा है? उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है कि कहाँ पर कमियाँ रही हैं, इसमें कमियाँ कहाँ रही, किसकी लापरवाही मानी? मैम की, वाइस प्रिंसिपल अनीता, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नंबर नहीं भेजे, अगर एक बार उन्हें बताना भी तो चाहिए था कि प्री बोर्ड में ऐसे ऐसे हो रहा है या प्री बोर्ड के नंबर जाना है, उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि उन्होंने ये बोल दिया कि 10th और 11th के बेस पे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद उन्होंने प्री बोर्ड के नंबर हमारे भेजे नहीं और प्रैक्टिकल के उन्होंने पर सब्जेक्ट 500 रुपये लिए। मेरा नाम खुशी गौतम है, यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि हमारे रिजल्ट में हमें एब्सेंट बताया गया, बल्कि सिर्फ इस बेस पे क्योंकि हमने प्री बोर्ड नहीं दिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड दिए हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आया है जिसने एक एग्जाम भी दिया है, तो बाकी उनके 4 सब्जेक्ट के भी उन्हें मार्क्स मिले हैं, बल्कि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिले हैं। हमने प्रैक्टिकल दिए, टेस्ट दिए, बस प्री बोर्ड नहीं दिए, तो इस वजह से हमारे रिजल्ट में एब्सेंट शो हो गया, ना ही हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं ना ही किसी और चीज़ के, और ऊपर से हमें मतलब हमसे प्रैक्टिकल में ये बोला गया कि हमसे मतलब प्रैक्टिकल में हमको इतना फीस हमसे 1500 रुपये ली गई, लेकिन हमसे ये बोला गया कि एग्जाम में हम इतनी फीस बताएं, लेकिन क्यों हम क्यों बताएं, हमने इतना करने पे भी इतना सब कुछ उनको मतलब देने पर फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, फिर भी हमें एब्सेंट दर्शाया गया, ऐसा क्यों? इस वजह से बस यही, इस वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बस हमें ये है कि हमें हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका रिजल्ट इस बार आया, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है बिल्कुल भी। साई कन्या इंटर कॉलेज बुद्ध बिहार मुरादाबाद, यहाँ पर 73 छात्राओं को प्री बोर्ड में अनुपस्थित होने के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई थी विद्यालय प्रबंधन द्वारा,
जिसके आधार पर वो बच्चियाँ जो 73 थी वो फेल हो गई हैं, जिसको लेकर के आज इन लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला है। इस प्रकरण में ऑलरेडी उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक की कमेटी बना दी गई है और आज शाम तक इनसे रिपोर्ट मांगी गई है और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बोर्ड को और शासन को पत्र भेजा जाएगा और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि बच्चों का किसी तरह से अहित ना हो। जिला प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन है? जिला प्रशासन द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो भी विधि संगत मदद होगी बच्चों की जाएगी, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।